हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित सभागार में उत्तराखंड पुलिस ऐप तथा EFIR सेवा का शुभारंभ किया। उत्तराखंड पुलिस की 5 विभिन्न ऑनलाइन सेवा का एकीकरण कर नया पुलिस ऐप तैयार किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि पुलिस ऐप के माध्यम से जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने इसे सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के मंत्र के साथ जनसेवा के लिए किया गया बेहतर प्रयास बताया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग के विचार को धरातल पर उतारने की भी यह सराहनीय पहल है। सीएम धामी ने इस ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने तथा चारधाम के साथ ही नए पर्यटन गंतव्यों को बढ़ावा देने की भी इसके माध्यम से प्रभावी व्यवस्था हो। उन्होंने आम जनता की सुविधा के लिए पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभागों को भी अपनी ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से प्रयास किए जाने के निर्देश दिए हैं। जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये बात सीएम धामी ने कही। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस द्वारा आम जनता के लिए संचालित की जा रही सभी ऑनलाइन सुविधाओं का एक साथ एकीकरण किया गया है, जिसमें उत्तराखंड पुलिस द्वारा संचालित ऑनलाइन ऐप गौरा शक्ति, महिला संबंधी प्रकरणों में जनपद के किसी भी अधिकारी की शिकायत, ट्रैफिक आई किसी भी व्यक्ति द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन की जानकारी, पब्लिक आई किसी भी सुरक्षा संबंधी कानून नियम का उल्लंघन, मेरी यात्रा उत्तराखंड चारधाम से संबंधित जानकारी और पर्यटन संबंधी एवं लक्ष्य नशा मुक्त उत्तराखंड, नशे से बचाव व उससे संबंधित जानकारी जैसी सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन ऐप को एक ही ऐप उत्तराखंड पुलिस ऐप के नाम से प्रारंभ कर आम जनता को सुविधा प्रदान की गई है। उत्तराखंड पुलिस ऐप में आम जनता को आपातकालीन नंबर 112 व अपनी साथ हुई साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी जोड़ा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से अब आम जन नागरिक वेब पोर्टल, नागरिक पोर्टल या मोबाइल फोन का उपयोग कर अपने चोरी हुए वाहनों, गुमशुदा दस्तावेजों की ऑनलाइन रिपोर्ट उत्तराखंड राज्य के किसी भी जनपद से घर बैठे ही करा सकेंगे। वाहन चोरी, दस्तावेज गुमशुदा संबंधी रिपोर्ट दर्ज किए गए विवरण के अनुसार भरनी होगी। जनता द्वारा दी गई जानकारी तुरंत ही सीधे EFIR पंजीकरण हेतु प्राधिकृत साइबर थाना देहरादून को ऑनलाइन प्राप्त होगी, जिस पर साइबर थाना देहरादून द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए प्राप्त शिकायत का देखकर उस पर EFIR की जाएगी। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।